पाकिस्तान एक मुश्किल दौर में दाखिल हो गया जिसमें गरीब इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल है। महंगाई करके आवाम की गर्दन मरोड़ी जा रही है। अद्वियात की कीमतों में 9 से 300% तक इजाफा किया गया। सेनेटर सिराजुल हक के विपक्षी हुकूमत पर लफ्जी वार, बोले पीटीआई ने तब्दीली का नारा लगाया। आवाम की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, जहाँ देखे किसी चेहरे पर मुस्कुराहट नजर नहीं आती। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर में दाखिल हुआ है। वो इस लिहाज से है कि आम इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। जो आम पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है दवाई, 9% से लेकर 300% उसके कीमत में इजाफा हुआ। कोई सैलाब आया है, कोई तूफान आया है, बगैर किसी वजह कौम को नचोड़ना, उनके गर्दन को मरोड़ना, उनके जेब से पैसा निकालना और अपने अकाउंट के अकाउंट में जमा करना, ये इस हुकूमत की स्पेशलाइजेशन है। आटा महंगा, बिजली महंगी, रोटी महंगी, दाल माश जो हम गरीब का खुराक है वो भी दाल बदमाश बन गया है। गरीब आदमी क्या करेगा? चौकों और चौराहों में 5 मिनट के लिए खड़े होकर लोगों के चेहरे देखे, किसी चेहरे पर आपको मुस्कुराहट नजर नहीं आएगी। दुकानदार भी परेशान और जो खरीदार है वो भी परेशान। आवाम की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई।